हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक रूल कवर कर लिए थे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक रूल्स हैं। और जो शेष बचे है आज हम बता देते हैं आपको, ठीक है? चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको चार फॉर्मूले बताने वाला हूं, ओके? नंबर एक, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से होता है, एक और फॉर्मूला है हमारे पास में साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से कॉस के भी है, ओके? कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नंबर चार, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है? देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, हमने आपको चार फॉर्मूले बताए हैं। साइन ए क्या है? यहाँ पर ए बी एंगल है और बी बी एंगल है। ए बी एंगल, बी बी एंगल की दो एंगल। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, इसका यूज कहाँ पे करना है? देखो, पहले साइन ए प्लस साइन बी, हमने जो एंगल आपको बताए थे टेबल के अकॉर्डिंग, कुछ एंगल हमने ऐसे बताए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमारे पास में ही आ गया। अब किसी ने हमें बोल दिया कि भाई आपने 30 की 45 की तो बता दी, आप हमें 15 की बताइए। आई मीन साइन 15 भी बोल सकता है, कॉस 15 भी बोल सकता है, टेन 15 भी बोल सकता है, ठीक है? इनका यूज हमें आज सीखेंगे कि इनका यूज किस लिए हमने किया। हमें देखो, 15 है, 15 को हम क्या लिखेंगे? 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 माइनस 30। तो साइन 15 को लिखेंगे हम साइन 45 माइनस 30, ठीक है? हमें किसी ने बोल दिया 75, 75 की बताओ जी, ठीक है? तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30, ये क्या हो गया? साइन 75, क्योंकि साइन 75 की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं पता, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है? देखो जरा, सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज किसका? साइन ए प्लस बी का। हमें किसी ने बोला कि साइन 75 की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। साइन 75 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इस लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30,
साइन 45 प्लस 30, ठीक है। अब a प्लस बी, तो ये तो a था और ये था b। साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इनटू होता है इनके बीच में, तो b हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं क्या आती है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या थी? कॉस 30 की वैल्यू होती है 3/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। √3 की गुणा एक में करेंगे कितना आएगा? √3/2 की गुणा √2 में, तो √2 प्लस एक की गुणा एक में 1/2 की गुणा √2 में 2√2। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, 2√2 √3/√2 प्लस 1/2 √2, दोनों का हर सेम है, ये अंश है ये हर है। जब देखो दोनों का जब अंश अलग अलग और हर, जब भी अंश हमें देखना है हमेशा हर हमें देखना है, हर अगर सेम है तो हमारा जो एलसीएम होगा हर यही होगा, क्या आएगा हमारा एलसीएम आएगा 2√2, और ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिखी जाती है √3+1। तो हमने किसका, हमने यूज ऑफ साइन ए प्लस बी सीख लिया है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ये एक एग्जांपल देके बताया है कि इस, ये जो फॉर्मूले है इनका यूज कब हुआ, इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे बता दिया। अब इन फॉर्मूलों से कुछ फॉर्मूले हम डेवलप करने वाले हैं, उन्हें भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आज की क्लास एक डिफ़िकल्ट क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लास कंटिन्यू, हमने अपनी अब तक जितनी भी क्लास कराई है आप उन्हें देख सकते हैं, आपको